स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट लेबलिंग सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। सो पार्ट थ्री प्राइवेट लेबलिंग। हैज यू ऑल नो कि इसका पार्ट वन भी आ गया है, पार्ट टू भी आ गया है। तो आई प्रेफर कि पार्ट वन और पार्ट टू को पहले देख लें, देन इस प्राइवेट लेबलिंग पे आप प्रोसू करें। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट लेबलिंग सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको कि व्हाट इज़ प्राइवेट लेबलिंग। ये नहीं कि प्राइवेट लेबलिंग अमेज़ॉन के लिए ही है, बट आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट लेबल का मतलब है कि एग्जिस्टिंग कोई भी ब्रांड जो चल रहा है, अच्छे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उनकी कॉपी करके अपने लोगों को पेस्ट करवा देना, दिस इज़ कॉल्ड प्राइवेट लेबलिंग सिंपल वर्ड्स में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्राइवेट लेबल क्या है, क्या उस पर वर्ड्स हैं, किस तरह ये बेसिकली वर्क किए जाते हैं, और ABC सारी चीज़ें हम आज वो डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स प्रोसीड। व्हाट यू विल लर्न, आप क्या सीखेंगे आज? व्हाट इज प्राइवेट लेबलिंग, प्राइवेट लेबलिंग क्या चीज़ है? एक ब्रांड जो एक प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है ज़्यादा, उसका आपको कीवर्ड पता चल गया, उसको आपने सोर्स करवाया, अपना लोगो करवाया और सेल कर दिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन, ईबे या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस पर आप सेल करना, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबलिंग। हाउ एंड वाई प्राइवेट लेबल वर्क्स, ये आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। हाउ टू क्रिएट योर ओन प्राइवेट लेबल, ये भी आपको फिजिकल करके दिखाएंगे। वे टू सेल प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली मैंने पूरा इसका रोड मैप बनाया जिसके थ्रू आपको पता चलेगा। अच्छा, बेसिकली पहले बात करते हैं व्हाट इज प्राइवेट लेबलिंग। प्राइवेट लेबलिंग इन प्लेन इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि टेक एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सेल अंडर इट योर ओन ब्रांड। फॉर एग्जांपल, कोई भी फ्राई पैन है, नाइफ है, जूसर मशीन है, कोई भी ABC प्रोडक्ट है, उसको आप लेते हैं, सोर्स करते हैं, अपना लोगो पुट करते हैं और सेल कर देते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबलिंग। राइट, फॉर एग्जाम्पल ये बोटल्स हैं, आवर प्रोडक्ट, इस पर लोगो लगवाया, कोई भी सिंपल जो भी आपको मिली है, अपना लोगो लगवा के उसको अपना बना के उसको सेल करना, दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्राइवेट लेबलिंग। दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है मार्केट में, जो डिमांड है, नेक्स्ट स्लाइड में एक मजे की चीज है उसको भी आपको मैं बताऊंगा, जो डिमांड है उसको पकड़ेंगे, सोर्स करेंगे, अपना लोगो लगवाएंगे और सेल कर देंगे किसी भी मार्केट प्लेस पे अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंस कि आप कहाँ सेल करना चाह रहे हैं। राइट, अच्छा, हाउ प्राइवेट लेबल वर्क्स, हाउ प्राइवेट लेबल वर्क्स। अब डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जिसमें बेसिकली मैंने देख लिए, एक टारगेट है, क्या एक कॉस्टको है, एक वॉलमार्ट है, ये कुछ ब्रांड्स हैं। अब थोड़ा सा हम इस पे डिटेल में जाते हैं कि बेसिकली प्राइवेट लेबल कैसे वर्क कर रहा है। एक फैक्ट्री है जो कि प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करती है रेजर ब्लेड, जो हम शेविंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं, रेजर ब्लेड मैन्युफैक्चर करती है। अब इस ब्रांड पे, इस प्रोडक्ट पे विदाउट कोई लोगो है, या आप एक ब्रांड है, इसका लोगो आ गया है, रेजर रेजर अप, रेजर अप, ये पूरे एक नाम हो गया। अब ये सेल हो रहा है टारगेट पे राउंड अबाउट $4 कह रहे हैं। किनलैंड सिग्नेचर एक ब्रांड है, ये इसने भी अपना इन लोगो इस प्रोडक्ट पे कर दिए और ये भी कॉस्टको पे सेल कर रहा है। ग्रेट वैल्यू एक ब्रांड का नाम है, ये भी इसने भी अपना लोगो इस पे बुक करवा लिया और वॉलमार्ट पे सेल कर रहा है। बेसिकली प्रोडक्ट एक ही है, ब्रांड तीन है और सेल भी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस भी हो रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड, जो डिमांड है,
सोर्स करते हैं, सप्लायर्स फिल्टर आउट करके फाइनलाइज करते हैं, अपने ब्रांड को पुट करवाते हैं, उसका लोगो, और सेल कर देते हैं स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में, स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में. दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल, राइट. चलिए अब ना थोड़ी सी केस स्टडी करते हैं व्हाई प्राइवेट लेबल वर्क्स. थोड़े से खुद से क्वेश्चंस करेंगे और खुद को आंसर देंगे और उसके प्रूफ देखेंगे क्या कैसे. ये बेसिकली एप्पल केस वॉच की मैं स्टडी कर रहा था. अब कुछ चीजें हैं, इज इट नाइस? यस इट इज नाइस, 100% नाइस. इट इज पॉपुलर? यस इट इज पॉपुलर. एप्पल ब्रांड की पॉपुलर है? यस इट इज पॉपुलर. इज इट एक्सपेंसिव? एग्जैक्टली. ये थोड़े से हमारे पास पॉइंट्स हैं, इस पे आपने फोकस करना है. जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर प्राइवेट लेबल, इज इट एक्सपेंसिव? यस इट इज एक्सपेंसिव. जो कि एप्पल वॉच है, एप्पल ब्रांड की जो वॉच है वो एक्सपेंसिव है. डज इट कम इन हॉट पिंक? मे बी. इज इट द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड? या नो नो, वी हैव अ लॉट ऑफ सीरीज है, आ जाती हैं आई वॉच 5 6. इज देर समथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव? यस वी कैन, हम कर सकते हैं. हर जो भी ब्रांड या जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा, देर वॉज अ रिव्यूज, देर वॉज अ रेटिंग्स, देर वॉज अ फीडबैक्स. हम उनको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज इम्प्रूव हो सकती है. तो वही चीज हम एक पीडीएफ में, वही चीज एक टेम्पलेट में बना के हम अपने मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को दे देंगे, तो वो उस चीज को इम्प्रूव करने में करेगा. इज देर अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट? क्या इस जो प्रोडक्ट है इसका कोई काफी ज्यादा कंटेंट पड़े? फॉर कंटेंट से बेसिकली इसका क्या क्या है, इसका ये जो बटन है ये ब्लैक में आता है, ब्लू में आता है, क्या इसकी रिस्ट में कलर है, क्या इसका स्क्रीन की डायमेंशन कितनी है, इसका एमएम कितना है, ये सारी चीज. यस देर वॉज. आर देर अनसेटिस्फाइड कस्टमर? यस वी कैन से दैट अ लॉट ऑफ अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स. यस. अच्छा अब बेसिकली मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ. एक प्रोडक्ट पे आपने देखा, एक प्रोडक्ट उसको आपने पकड़ा, उस पर अपना लोगो पोस्ट पेस्ट करवाया और सेल कर दिया. दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल. अब उस पर हम स्टडीज करते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चीजें इम्प्रूव चाहिए, क्या क्या चीजें इम्प्रूव चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, क्या जिस तरह ये एक वॉच है, ठीक है, क्या ये नाइस है? यस इट इज नाइस. वही सेम बातें दोबारा मैं डिस्कस करूँ ताकि वो आपको चीजें और क्लियर हो जाए. ये नाइस भी है, पॉपुलर भी है, एक्सपेंसिव भी है. अब बेसिकली हमने अली बाबा पे या जहाँ से भी हम सोर्स कर रहे हैं, हमने ये चीज जो ये वॉच है, हमने सिर्फ इसका कीवर्ड रखना है, वॉच आ जाएगी, सेम टू सेम आ जाएगी, $100 $50 की आ रही होगी. इसमें हम अपना लेबल पुट करवाएंगे और दिस इज कॉल्ड एबीसी ब्रांड वॉच. मतलब ये जिस तरह एक एप्पल वॉच है, मैं इसको कह देता हूँ बनाना वॉच. एप्पल वॉच तो सेल हो रही है, अच्छा ब्रांड है, बट मैंने उसको कॉपी किया और अपने ही प्रोडक्ट पे बनाना वॉच कर दिया, ठीक है, बनाना वॉच. अब मैं ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि सेल होएगी, ठीक है. डज इट कम इन हॉट पिंक? अगर ये नहीं आ रही तो मैं इसका हॉट पिंक भी कलर निकाल दूंगा. इज देयर एन ओनली ऑन इट्स वन काइंड? अगर ये इसकी एक काइंड है तो मैं इसकी 50 काइंड निकाल दूंगा, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेता हूँ. इज देयर समथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव? मैं इसको जो भी उसके रिव्यूज फीडबैक्स होंगे उसको देख के इस वॉच को, अपने बनाना वॉच को इम्प्रूव करूंगा. इज देयर अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट? अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं इस पर अपनी वेबसाइट पे जहाँ जहाँ मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ इस पर मैं काफी ज्यादा अनकॉन्टेंट कंटेंट डाल दूंगा. आर देयर अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स? 100% होंगी. उनकी जो भी इम्प्रूवमेंट्स वगैरह हैं, फीडबैक्स, उनको मैं देख के एक पूरा फिल्टर आउट करके कंक्लूजन निकाल के अपने सप्लायर को दे दूंगा कि यार ये चीज इसमें सेल होनी चाहिए. आई होप कि दिस थिंग वाज क्लियर नाउ.